हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनर्स क्लासेज। आज के वीडियो में हम जो राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वैकेंसी आई है जेएसओ और जेई की, उसके बारे में कुछ डिस्कशन करना चाहेंगे। जेएसओ और जेई की जो वैकेंसी है उसमें हमारे पास इन दोनों का सिलेबस क्या रहेगा एग्जाम का, ठीक है, और हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो उसके बारे में ये वीडियो रहेगा, ठीक है। तो मैं हूं महिपाल चौधरी, ठीक है, एमटेक आईआईटी पटना, और मेरी जो 2021 में जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर का जो पेपर हुआ था पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, उसमें मेरी रैंक फर्स्ट थी, ठीक है। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो वैकेंसीज की डिटेल है, हमारे पास जो एक नोटिफिकेशन आया था जिसे हम प्री नोटिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है, एक्चुअल नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है। उसमें जो एक्चुअल नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि 52 में से जनरल की कितनी, ईडब्ल्यूएस की कितनी, वो कैटेगरी वाइज आपको पता चल जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर भी अब 52 पोस्ट है जेएसओ की, और जेई की कितनी है, 53 पोस्ट। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न के बारे में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, टोटल मार्क्स कितना होगा, ये अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है। 2021 में जो हमारा पेपर हुआ था उसमें पैटर्न ये था कि 120 क्वेश्चन से वो एनवायरमेंटल साइंस के आए थे और 30 क्वेश्चन से हमारे पास वो जीके के आए थे। इसमें हर क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का था, ठीक है, तो टोटल हमारे पास 450 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। जीके के सिलेबस की हम बात करें तो जीके के सिलेबस में हमारे पास है राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, ठीक है। तो इसकी किस तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या है, यदि कोई एस्पिरेंट एकदम न्यू है, न्यू मतलब कि उसने राजस्थान जीके कभी पढ़ी नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि वो ल्यूसेंट से चालू करें, ठीक है, जो हमारे पास राजस्थान जीके की ल्यूसेंट बुक आती है उससे चालू करें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस टाइप के क्वेश्चन हमने 2016 के एग्जाम में या फिर 2021 के एग्जाम में देखे हैं वो एकदम बेसिक्स क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल 2021 के पेपर में आए थे कि वन की आशा कौन सी रिवर है, वन की आशा किस रिवर को बोलते हैं, धान का कटोरा कौन सा जिला कहा जाता है, श्री गंगानगर। तो इस टाइप के बेसिक्स क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। अजमेर की स्थापना कब हुई, ठीक है, हवा महल की स्थापना किसने की, इस टाइप के क्वेश्चंस, जो बेसिक क्वेश्चंस जो आपको ल्यूसेंट की बुक में भी मिल जाएंगे, तो मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले ल्यूसेंट पढ़ें, और यदि आपने ल्यूसेंट पढ़ ली तो उसके बाद में आप अदर सोर्सेज पे जा सकते हो। और जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, एग्जिस्टिंग का मतलब ये है कि जिन्होंने जीके किसी ना किसी एग्जाम के लिए कवर कर रखा है राजस्थान का, तो उन एस्पिरेंट को मैं कहना चाहूंगा कि इसमें आप ज्यादा टाइम डिवोट ना कीजिए, आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग इन दोनों की थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो करंट अफेयर्स विद रेस्पेक्ट टू राजस्थान एंड नेशनल करंट अफेयर्स एंड विद रेफरेंस टू एनवायरनमेंट, ठीक है, जिस टाइप से क्वेश्चन आए थे, जैसे 2021 में क्वेश्चन आया था कि एक हमारे पास जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसमें 2020 का कौन सा वर्ड लिया गया या 2021 का कौन सा वर्ड लिया गया, इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। कौन सा राजस्थान में पद्म विभूषण किसको मिला, इसके अलावा हमारे पास कुछ क्वेश्चन है कि हमारे पास जो यूएन कॉन्फ्रेंस वगैरह है रिसेंट की, जो रिसेंट में हमारे पास कॉन्फ्रेंसेज होती है एनवायरमेंट से, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हमारी ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि डेली हम आधा घंटा हम कोई ना कोई मैगजीन या फिर हमारे पास YouTube पे बहुत सारे करंट अफेयर्स के वीडियोज आते हैं, तो आधा घंटा हम यदि हर दिन अपडेट रहेंगे तो इसमें हमारे को कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो जनरल जो नॉलेज का हमारा ये है पोर्शन, ये इसमें 30 क्वेश्चन आए थे पिछली बार 150 में से, ठीक है, तो 30 by 150 × 100 यानी कि ये कितने हो गए, ये हो गए 20%, यानी कि 20% आपका है ओनली जीके का वेटेज, और 80% क्या है हमारे पास, 80% हमारे पास टेक्निकल,
यानी कि टेक्निकल पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। टेक्निकल में हमारे सिलेबस की बात करें तो आपने देखा होगा जो प्री नोटिफिकेशन आया है हमारे पास, उसमें आपने JSO और JEE इनका सिलेबस देखा होगा। तो इनका सिलेबस को हमने क्या किया है, हमारे कोर्स में हमने इनको 8 मॉड्यूल में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। मॉड्यूल वाइज हमने डिवाइड कर रखा है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट मॉड्यूल है वो है हमारे पास एयर पोल्यूशन। क्या है? एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में हमारे पास सिलेबस में दे रखा है सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी कि कौन कौन से सोर्सेज है जहाँ से एयर पोल्यूशन होता है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है, कौन कौन से सेक्टर्स है, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ठीक है, तो इस टाइप से, और प्रॉपर्टीज, उसके बाद में एयर पोल्यूटेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। इसमें हम पढ़ते हैं एरोडायनेमिक डायमीटर, एरोडायनेमिक डायमीटर, ठीक है, क्योंकि एयर पोल्यूटेंट की क्या शेप और जो डेंसिटी होती है वो सेम नहीं होती, ठीक है। तो उनके लिए हम एक पर्टिकुलर डाया डिफाइन नहीं कर सकते, इसके लिए हम क्या करते हैं, एरोडायनेमिक डायमीटर टर्म डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन भी आया 2021 के पेपर में, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास और है सिलेबस में मेट्रोलॉजिकल फैक्टर जो एयर पोल्यूटेंट के डिस्पर्सन को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें टाइप्स ऑफ प्लूम्स हम पढ़ेंगे, फ्यूमिगेटिंग प्लूम, कोनिंग प्लूम, लॉफ्टिंग प्लूम, ठीक है, कोनिंग प्लूम। उसके बाद में हमारे पास गॉसियन प्लूम डिस्पर्सन मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, इससे रिलेटेड अजम्पशंस, न्यूमेरिकल्स, ये अक्सर दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, JSO में भी और JEE, ठीक है। इसके अलावा हम इसके साथ में एक मॉडल और पढ़ते हैं जिसका नाम है फिक्स बॉक्स मॉडल। क्या है? फिक्स बॉक्स मॉडल, ठीक है। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, इफेक्ट ऑफ ऑन ह्यूमन हेल्थ, यानी कि जो हमारे पास एयर पोल्यूटेंट है उनका ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद में है हमारे पास कंट्रोल टेक्नोलॉजी, यानी कि जो हमारे पास इस इंडस्ट्री से जो एयर पोल्यूटेंट निकल रहे हैं, इनका इमिशन हो रहा है, इसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारे पास कंट्रोल टेक्नोलॉजीज में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, इसके अलावा हम पढ़ेंगे साइक्लोन सेपरेटर्स, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कंट्रोल टेक्नोलॉजी में आती है फैब्रिक फिल्टर्स, स्क्रबर्स, और लास्ट में है हमारे पास एडजॉर्प्शन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स है वो भी आते हैं, जैसे JEE के एग्जाम में फैब्रिक फिल्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा गया, ठीक है। उसके बाद में ये है कि हमारे पास एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल नॉक्स यानी नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो इसमें कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं कि हमारे पास इसमें ओजोन कितना होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होनी चाहिए, मीथेन कितनी होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो हमारे पास पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में कुछ एयर क्वालिटी इंडेक्सेज है, उसकी एक टेबल है जिसमें हमारे पास कलर वाइज बता रखा कि यदि हमारे पास इस टाइप का एयर क्वालिटी होगी जिसमें पुअर कैटेगरी है, मॉडरेट कैटेगरी है, इस टाइप से, उससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो भी हम इस पोर्शन में डिस्कस करेंगे। मेनली एयर पोल्यूशन का हम स्ट्रेटजी बनाए कि किस तरीके से हम एयर पोल्यूशन को पढ़ें, तो सबसे पहले इसमें है कि हम बेसिक थ्योरी पे जाएं। सबसे पहले हम बेसिक थ्योरी, इसकी जो थ्योरिटिकल पोर्शन है वो हम कवर करें। उसके अलावा जो हमारे पास फॉर्मूले हम इसमें पढ़ते हैं उस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स को भी प्रैक्टिस करें। इसके अलावा हमारे पास जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स है जिसमें हमारे पास इंडिसेज है, एयर क्वालिटी इंडिसेज, इनको हम थोड़ा सा स्टडी करें, ठीक है, कि हमारे गवर्नमेंट ने क्या नॉर्म्स रखे हैं एयर पोल्यूटेंट के लिए, कि इससे ज़्यादा होगा तो इस कैटेगरी में आएगा, इससे ज़्यादा होगा तो इस कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो ये तीन बेसिक चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए एयर पोल्यूशन के चैप्टर में। सबसे पहले बेसिक थ्योरी पढ़िए आप,
उसके बाद में आप फॉर्मूले जो डेराइव करके हम फॉर्मूले लास्ट में पहुंचते हैं उन पे बेस्ड आप न्यूमेरिकल्स है वो प्रैक्टिस कीजिए। और तीसरा हमारा गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट्स है इंडिसेज है उनको जो टेबल्स है उनको आपको याद करना होगा, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास मॉड्यूल नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन में हमारे पास छोटा सा सिलेबस है कि सबसे पहले बेसिक्स पढ़ेंगे नॉइस पोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। नॉइस पोल्यूशन की जो हमारे पास नॉइस पोल्यूशन को मेजर है वो किस यूनिट में करते हैं, डेसिबल में करते हैं, ठीक है। उसके बाद में उसको किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है नॉइस का, और जो हमारे पास डिफरेंट जोन्स है डिफरेंट जोन्स में हम परमिसिबल नॉइस लेवल्स क्या है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है। इसमें हमारे पास क्या तीन कैटेगरी है, एक है हमारे पास रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ठीक है। तो इनमें डे और नाइट में, डे टाइम और नाइट टाइम में हमारे पास परमिसिबल नॉइस का लेवल क्या रहना चाहिए वो हमें पता रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है, इसको हमें याद रखना चाहिए। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 2021 में और उससे पहले वाले पेपर जो 2016 में हुआ उसमें भी पूछे गए, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास इफेक्ट ऑफ नॉइस ऑन ह्यूमन बींग्स, यानी कि ह्यूमन बींग्स पे नॉइस का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इसमें हम कुछ और चीजें भी पढ़ेंगे, एवरेजिंग कैसे करते हैं नॉइस की, ठीक है। दो सेम लेवल की नॉइस है, जैसे मान लो 80 डेसिबल की दो सेम नॉइस लेवल है तो इससे हमारे पास रिजल्टेंट कितना आएगा, तीन सेम है तो रिजल्टेंट कितना आएगा, तो इस टाइप की जो हमारे पास फॉर्मूले है वो हम देखेंगे। थर्ड मॉड्यूल है हमारे पास एनवायरमेंट लेजिस्लेशन इन इंडिया, यानी कि जो हमारे पास एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से लॉज है। तो आपके सिलेबस में तीन लॉज दिए हुए हैं, फर्स्ट है हमारे पास ईपी एक्ट 1986, यानी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है 1986। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, इसका बैकग्राउंड क्या है, यानी कि ये कैसे इफेक्ट हुआ, इससे पहले कौन कौन से हमारे पास कॉन्फ्रेंसेज हुई थी, कौन कौन से एक्ट आए थे, उसके बाद में हम एनवायरमेंट एक्ट आया, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से स्टडी करेंगे। उसके बाद में हमारे पास वाटर एक्ट का भी इनेक्ट हुआ 1974 में। उसके बाद में एयर पोल्यूशन एक्ट, ठीक है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कब इनेक्ट हुआ, या फिर जैसे 2021 में थोड़ा सा जो क्वेश्चन आया था वो आया था कि एयर पोल्यूशन जो है ये एक्ट है इसमें हमारे पास कुल कितने चैप्टर है, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा इसमें डीप में जाने की जरूरत है, ठीक है, तो वो हम स्टडी करेंगे इस मॉड्यूल में। उसके बाद में हमारे पास ईआईए है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास प्रोजेक्ट, जैसे कोई भी इंडस्ट्री है उसको हम एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें उससे उसका एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करवाते हैं, ठीक है, कि उसकी वजह से नियर बाय कम्युनिटी या नियर बाय नेचर नियर बाय रिसोर्सेज उस पर क्या एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेंगे, क्या बेनिफिशियल इम्पैक्ट होंगे, वो हम स्टडी करते हैं एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। तो इसमें हमारे पास किस टाइप का जो ये प्रोजेक्ट है इसका कितना एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा उसके आधार पे इसको हमारे पास सबसे पहले कि हमारे पास ईआईए में कौन सी कैटेगरी में आएगा प्रोजेक्ट, तो उसके लिए हमारे कुछ पास कुछ कैटेगरीज है, ए जैसे A1, A1, B1, B2, ठीक है। तो इसमें A1, B1, B2, ठीक है, इसमें कौन आएगा ये हम स्टडी करेंगे। उसके बाद में हमारे पास एनवायरमेंट इफेक्ट स्टेटमेंट, एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, इसको हम पढ़ेंगे। और उसके बाद में ये है कि जो इम्पैक्ट्स है उनको किस तरीके से प्रेडिक्ट किया जा सकता है और उनका असेसमेंट किस तरीके से किया जा सकता है। और लास्ट में हमारे पास एक टर्म रैपिड एंड कॉम्प्रेहेंसिव ईआईए, तो ये कैसे करते हैं इसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास इम्पोर्टेंट ये है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट की कैटेगरी है वो किस तरीके से डिसाइड की जाती है, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास की एनवायरमेंट जो क्लियरेंस दी जाती है तो किस प्रोजेक्ट्स के लिए, फॉर एग्जांपल रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के लिए कितने साल के लिए दी जाती है, इस टाइप की क्वेश्चंस भी हमें पता होने चाहिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस है वो आपके
इसके अलावा हमारे पास ये है कि इसमें जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, इसमें हमारे पास कुल कितनी स्टेजेज होती है, पहली स्टेज में क्या करते हैं, सेकंड स्टेज में क्या करते हैं, थर्ड में क्या करते हैं, ठीक है, तो वो सब हम इसमें कवर करने वाले हैं। इसके बाद में हमारे पास वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, ठीक है, तो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग इसमें हमारे पास क्या है, थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस है कि जेएसओ के सिलेबस में सिर्फ ये वाला पोर्शन और जेई के सिलेबस में ये हमारे पास कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। तो जेएसओ के सिलेबस में हमारे पास फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वाटर की, वो हमारे पास इसके सिलेबस में। इसके साथ में एक टर्म और है जेएसओ के सिलेबस में जो जेई में नहीं है, वो है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ऑफ सिस्टम्स, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ऑफ सिस्टम्स, ठीक है। तो ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिजिकल में जैसे हमारे पास टर्बिडिटी हो गया, टेम्परेचर, ये फिजिकल पैरामीटर्स हो गए। केमिकल में हमारे पास पीएच, क्लोराइड, क्लोराइड नाइट्रेट, हार्डनेस, एल्कलिनिटी, ठीक है, ये सभी केमिकल में पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल में हम एमपीएम नंबर यानी कि मोस्ट प्रोबेबल नंबर, कोलिफॉर्म इंडेक्स, ठीक है, ये सब हम स्टडी करेंगे। उसके बाद में जो जेई के सिलेबस में एक्स्ट्रा पोर्शन है वो है यूनिक प्रोसेसेज इन वाटर ट्रीटमेंट, यानी कि वाटर ट्रीटमेंट है, जैसे हमारे पास वाटर है वो ग्राउंड वाटर है, तो उसको किस तरीके से हम ट्रीट करते हैं, तो उसकी कौन कौन सी स्टेजेज आती है, ठीक है, जो वेस्ट वाटर है उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, उसमें कौन कौन सी स्टेजेज आती है, तो उनका क्रम जो सिक्वेंस है हमारे पास वो पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो इसमें हमारे पास इक्विलाइजेशन टैंक होता है, ग्रिड चैम्बर होते हैं, कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन, फ्लोकुलेशन होता है, सेटलिंग चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, इसमें प्राइमरी सेटलिंग, सेकेंडरी सेटलिंग ये होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास फिल्ट्रेशन, इसमें रैपिड सेंट फिल्टर, स्लो सेंट फिल्टर पढ़ते हैं, ठीक है। जो हमारे पास 2021 में क्वेश्चन आया था वो था मड वॉल फॉर्मेशन, वो किसमें होती है समस्या, ये रैपिड सेंट फिल्टर में होती है, ठीक है। तो जब हम इस कोर्स को पढ़ेंगे तब हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स स्लो सेंट फिल्टर में होती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है वो रैपिड सेंट फिल्टर में होती है, ठीक है। डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूवी रेज से, क्लोरीनेशन, ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ तरीके हैं जिससे हम डिसइंफेक्शन करते हैं वाटर का। और उसके बाद में एरेशन, कुछ इम्प्योरिटीज, फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड वाटर है, जैसे हमारे पास ग्राउंड वाटर में हमारे पास मेनली क्या होता है, आयरन इम्प्योरिटीज होती है, तो आयरन इम्प्योरिटीज को हम क्या करते हैं, यदि इसमें हम एयर प्रोवाइड करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है, और ऑक्सीडेशन होके जो आयरन है वो क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, यानी कि वाटर में हमारे पास जो आयरन है वो नीचे रह जाएगा और बाकी का जो वाटर हमारे पास वो प्योर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करेंगे, तो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। उसके बाद में है हमारे पास वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, तो इसमें भी जेएसओ के सिलेबस में सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स है और जेई के सिलेबस में ये कंप्लीट है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में वही कैरेक्टरिस्टिक्स हम वापस पढ़ते हैं, ठीक है, कि टेम्परेचर, टर्बिडिटी क्या होनी चाहिए, बायोलॉजिकल और केमिकल, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा बीओडी और सीओडी के बारे में देखते हैं, ठीक है, वेस्ट वाटर के बारे रेस्पेक्ट में बीओडी और सीओडी के बारे में ज्यादा हम स्टडी करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो वेस्ट वाटर सैंपल है वो बायोडिग्रेडेबल कब होगा, बीओडी और सीओडी का रेशियो क्या होना चाहिए, ठीक है। कोई भी हमारे पास है जैसे वेस्ट वाटर है तो इसको रिवर में हम कब डिस्चार्ज कर सकते हैं, उसके लिए क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, ये सब हम इस बीओडी और सीओडी के रेस्पेक्ट में देखते हैं। उसके बाद में ये जो हमारे पास कुछ प्रोसेसेस दे रखी है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड है, एक है हमारे पास सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम और दूसरा है हमारे पास अटेस्ट ग्रोथ सिस्टम, ठीक है, उन्हीं का ये पार्ट है, कोई इसमें अटेस्ट ग्रोथ सिस्टम पर बेस्ड है और कोई हमारे पास इसमें सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम पर बेस्ड है, ठीक है। इसमें हम एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से हमारे पास एफएम रेशियो होना चाहिए, यानी कि फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो होना चाहिए, ठीक है। ट्रीटमेंट पॉन्ड्स, एरेटेड लेगूनस, ट्रिकलिंग फिल्टर्स, आरबीसी यानी कि रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्टैक्टर्स, एसबीआर और एमबीआर यानी कि सिक्वेंसिंग बेस रिएक्टर और मेम्ब्रेन बेस रिएक्टर, अनएरोबिक डाइजेशन और इंडस्ट्रियल वेस्ट। इसमें लास्ट में दे रखा है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, ठीक है,
ये भी पढ़ना जरूरी हो जाता है क्योंकि हमारे पास कुछ इंडस्ट्रीज होती है जिनसे हेवी टॉक्सिक मेटल्स का डिस्चार्ज होता है। ठीक है, हेवी टॉक्सिक मेटल्स का जो डिस्चार्ज होता है, तो इसलिए उनकी क्या कंसेंट्रेशन है, कितनी रहनी चाहिए, ठीक है, तो उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद में सेवन्थ मॉड्यूल में हमारे पास वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट में हमारे पास म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो 2016 है उनका हम स्टडी करेंगे, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 और हेजार्डियस सॉलिड वेस्ट। ठीक है, हेजार्डियस सॉलिड वेस्ट फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इनसे जो वेस्ट आ रहा है, ठीक है, उनको हम हेजार्डियस सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो ये हम इसमें डिटेल से स्टडी करेंगे। उसके बाद में हमारे पास लास्ट पोर्शन है जो बहुत ही सिंपल है, आठवें मॉड्यूल में हमने रखा है, वो है एनवायरमेंटल जीके। इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल एसिड रेन, ओजोन डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, एनजीटी, पॉल्यूशन इंडिसेस, ठीक है, एनवायरमेंटल कन्वेंशंस। एनवायरमेंटल कन्वेंशन में हमारे पास फॉर एग्जाम्पल स्टॉकहोम कन्वेंशन, ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड कन्वेंशंस हुए थे या जो कॉन्फ्रेंसेज होती है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी पोर्शन है, इसको मैंने इसलिए लास्ट में रख रखा है क्योंकि सबसे पहले इसको समझने के लिए जरूरी है कि आप जो पहले 7 मॉड्यूल में जो हमारे पास बेसिक नॉलेज है वो हमें पता होना चाहिए, तब हम इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हुई सिलेबस की बात और हमें किस तरीके से इसमें स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। उसके बाद में ये हमारे कोर्स के बारे में, इसमें ये है कि हमारे पास असेस अस, असेस योरसेल्फ और असेस सिलेबस। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि कुछ जो लेक्चर्स हैं वो हमारे पास फ्री रहेंगे, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो, इसमें हम आप हमें एसेस कर सकते हो, आप खुद को देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हो और मैं कहाँ पर हूँ, और आप सिलेबस को असेस कर सकते हो कि सिलेबस किस टाइप का है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या रणनीति होनी चाहिए। ठीक है, तो ये फ्री लाइव क्लासेस के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं, तो आपको लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं लाइव क्लासेस। हमारे जो कोर्स है उसमें क्या रहेगा, हमारे कोर्स में हमारे पास आपको ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, और डेली लाइव क्लासेज या फिर जूम सेशंस, वेबिनार्स, ठीक है, जो भी पॉसिबल होगा वो करवाया जाएगा एज पर द डिमांड ऑफ एग्जाम। ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स है, कम्प्लीटली ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स जो आप देख सकते हो। इसके अलावा हम डेली लाइव क्लासेज में क्या करेंगे, डेली लाइव क्लासेज में हमारे पास कुछ पोर्शन जो हमारे पास 2021 के क्वेश्चंस के बेस्ड पे हमें और कवर करना चाहिए इन वीडियो लेक्चर्स के अलावा, वो हम कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल CPH EEO मैनुअल, यानी कि सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनुअल है उसको हम थोड़ा सा कवर करेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास है वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है, वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, ठीक है, वो हम थोड़ा सा डिटेल से कवर करेंगे। जो हमारे पास एक्ट्स आए थे, ठीक है, जैसे ईपी एक्ट 1986, ठीक है, वाटर एक्ट 1974, एयर एक्ट 1981, वो हम थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। उसके अलावा हमारे पास जो मेन फोकस रहेगा वो न्यूमेरिकल पोर्शन पे रहेगा। ठीक है, लाइव क्लासेज में हम न्यूमेरिकल्स है वो हर मॉड्यूल के कौन कौन से पॉसिबल न्यूमेरिकल्स है वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही यूजफुल होने वाला कोर्स। उसके बाद में हमारे पास इसमें वीडियो लेक्चर्स के अलावा हमारे पास ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का प्रोविजन है। ठीक है, जो 2021 वाला पेपर हुआ था तो उस टाइम मैंने 5 फुल लेंथ टेस्ट करवाए थे, 5 फुल लेंथ टेस्ट करवाए थे, यानी कि 5x120 600 क्वेश्चंस प्रोवाइड करें। और आप मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स को आप पूछ सकते हो कि 600 में से, यानी कि
जो पेपर हुआ हमारा एग्जाम हुआ उसका 70-80% क्वेश्चन है वो मेरी टेस्ट सीरीज से आए थे, जो कि एक बड़ा अचीवमेंट है। और इसके अलावा जिन्होंने ऑनलाइन जो हमारे पास वीडियो लेक्चर्स प्लस टेस्ट सीरीज ये कॉम्प्रेंसिवली जिसने कवर की उनका सिलेक्शन भी हुआ, ठीक है। तो आप जिनका सिलेक्शन हुआ या जिन्होंने प्रीवियसली पेपर दिया है उनसे आप फीडबैक ले सकते हो हमारे बारे में, ठीक है। इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस बार हमारे पास जो मॉड्यूल वाइज टेस्ट भी रख रहे हैं, ठीक है। 8 हमारे पास मॉड्यूल वाइज टेस्ट होंगे और 7 फुल मेन टेस्ट होंगे, यानी कि टोटल 15 टेस्ट होंगे। प्लस इनका बेनिफिट तभी हो पाएगा आपको जब इनको हम और डिस्कस करें, जो आपको न्यूमेरिकल्स है या फिर जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उनको हम वीडियो के थ्रू या लाइव क्लासेज के थ्रू उनका एनालिसिस करके बताएं कि किस तरीके से इसका इस न्यूमेरिकल को हमें इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो वो भी प्रोविजन हमने इस कोर्स में कर रखा। इसके अलावा हमारे पास स्टूडेंट क्वेरी सेशन है एट रेगुलर इंटरवल, यानी कि वीकली हम एक सेशन क्वेरी सेशन होगा जिसमें हम स्टूडेंट्स के कोई भी डाउट है एग्जाम से रिलेटेड या फिर जो हमारे पास न्यूमेरिकल पोर्शन है उससे रिलेटेड रिसोर्सेज से रिलेटेड वो हम इसमें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसमें आपको नोट्स है वो पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेंगे ऐप पर, ठीक है। तो हमारा ऑनलाइन जो कोर्स है उसमें आप यदि इनरोल होना चाहते हो तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेलीग्राम कर सकते हैं, तो आपको इसमें ऐप की लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।